पिछले 10 वर्षों में भारत के लोकतंत्र को किस तरह से खत्म करने की कोशिश की गई है, पिछले 10 वर्षों में ऑपरेशन लोटस चलाकर अलग-अलग सरकारों को कैसे गिराने की कोशिश की गई है, इसका जीता जागता उदाहरण आप लोगों के सामने है। और जो सूरत से शुरुआत हुई है वो इस बात का संकेत है कि 10 साल में ऑपरेशन लोटस चलाकर बीजेपी ने अलग-अलग राज्य सरकारों को तोड़ा, विधायकों को तोड़ा, सरकारों को गिराया। लेकिन 2024 के बाद इस देश में चुनाव नहीं होगा, सूरत इसकी शुरुआत है। सूरत तो झांकी है, पूरा देश बाकी है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव खत्म करेगी। मैं 140 करोड़ लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, यह आपका अंतिम चुनाव है, इसके बाद आपको वोट करने का अधिकार नहीं मिलेगा। और आपने देखा, कभी आपने नहीं सुना होगा, लोकसभा का चुनाव देश की सत्ताधारी पार्टी बगैर मतदान के जीत जाती है, बगैर वोट के जीत जाती है, बगैर चुनाव के जीत जाती है। सूरत में सारे कैंडिडेट्स का पर्चा खारिज कर दिया गया, न सिर्फ कांग्रेस का, बाकी सारे दलों का भी पर्चा खारिज कर दिया गया, बाकी निर्दलीय उम्मीदवारों का भी पर्चा खारिज कर दिया गया। और चुनाव के पहले प्रमाण पत्र हाथ में भाजपा के कैंडिडेट को पकड़ा दिया गया। 2024 के बाद यही देश में होने जा रहा है। खाली दिखावे के लिए एक संविधान होगा जो नागपुर का आरएसएस का संविधान होगा, जिसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं होगी, जिसमें किसान के अधिकार की बात नहीं होगी, जिसमें महिलाओं के, युवाओं के रोजगार की बात नहीं होगी, उनके सुरक्षा की बात नहीं होगी। एक आरएसएस का संविधान होगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान को खत्म किया जाएगा, आरक्षण को खत्म किया जाएगा, चुनाव को खत्म किया जाएगा।